क्वेश्चन सिक्स, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन माइनस थ्री लेस देन एक्स माइनस टू लेस देन नाइन माइनस टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो पहले तो ये दो ले लेंगे, माइनस थ्री लेस देन एक्स माइनस टू, माइनस थ्री प्लस टू लेस देन एक्स, सो माइनस वन लेस देन एक्स. यहाँ पे हम एक्स माइनस टू लेस देन नाइन माइनस टू एक्स, सो एक्स प्लस टू एक्स लेस देन नाइन प्लस टू, सो थ्री एक्स इज लेस देन इलेवन एंड एक्स इज लेस देन इलेवन बाई थ्री. सो मेरा सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या होगा, माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन इलेवन बाई थ्री. इसको मैं और अच्छी तरह से ऐसे लिख सकती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, थ्री टू बाई थ्री, मतलब थ्री पॉइंट समथिंग हो गया. ठीक है, मतलब थ्री इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे है, समवेयर थ्री पॉइंट सिक्स समथिंग, राइट. लेकिन x बिलोंग्स टू n, तो x इक्वल्स टू वॉट, वन टू एंड थ्री. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वन टू एंड थ्री. ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन. अगेन फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करनी है और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. सो माइनस टू टू बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय थ्री लेस देन थ्री वन बाय थ्री एंड एक्स बिलोंग्स टू आर. ओके, सो पहले माइनस टू टू बाय थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय थ्री. तो दिस इज समथिंग, थ्री टू जा सिक्स एंड सिक्स प्लस एट, सिक्स प्लस टू इज एट, माइनस एट बाई थ्री, ये माइनस वन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स, माइनस नाइन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स, हैंस माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स. यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय थ्री लेस देन टेन बाय थ्री, सो एक्स इज लेस देन टेन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, सो एक्स इज लेस देन नाइन बाय थ्री, हैंस एक्स इज लेस देन थ्री. ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन थ्री. अब मैं उसको प्लॉट करना है मुझे नंबर लाइन में. ठीक है, तो प्लॉट कैसे करूंगी मैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव. अब माइनस थ्री से लेके थ्री तक, ठीक है, सो वो होगा माइनस थ्री से लेके थ्री तक. ओके, अब माइनस थ्री इंक्लूडेड है, मतलब डार्क सर्कल और ये एस है. ओके, नेक्स्ट सम नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वी सेटिस्फाई द इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, राइट. सो माइनस टू लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू, माइनस टू एक्स बाय थ्री विच लेस देन और इक्वल टू वन फाइव बाई सिक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू वॉट, नेचुरल नंबर. ओके, सो पहले तो हम यही ले लेंगे, माइनस टू लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू माइनस टू एक्स बाय थ्री, सो माइनस टू माइनस वन बाई टू लेस देन और इक्वल टू माइनस टू एक्स बाई थ्री, सो फोर माइनस फाइव बाई टू इंटू थ्री बाय टू
लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स. सो ये होगा माइनस 15 बाय 4 लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, और यहाँ पे दूसरा देख लो तो दूसरे में होगा 1 बाय 2 माइनस 2x बाय 3 लेस देन और इक्वल टू 15 बाय 6. ठीक है, तो 1 बाय 2 माइनस 2x बाय 3 लेस देन और इक्वल टू 11 बाय 6. सो माइनस 2x बाय 3 लेस देन और इक्वल टू 11 बाय 6 माइनस 1 बाय 2. सो माइनस 2x बाय 3 लेस देन और इक्वल टू 11 माइनस 3 क्या होगा 8 बाय 6. सो माइनस एक्स इज लेस देन 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 6. 3 टूजा और ये 4 टूजा. सो माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2. सो ये 15 बाय 4 को, तो 15 बाय 4 को मैं 3.75 भी लिख सकती हूँ. ओके, तो ये मेरा देखिए ये 2 है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2. माइनस 2 से लेके x जा रहा है 3.75 तक. ओके, तो और या तो फिर अब नेचुरल नंबर है तो मैं 1, 2 और 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस 2, 1 और 0 तो आएंगे नहीं नेचुरल नंबर में, राइट. सो सिर्फ 1, 2 एंड 3 होगा. 1, 2, 3 यहाँ पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, ये ऐसे, राइट. सो सब डार्क सर्कल. ओके, चलिए नेक्स्ट 9th. क्वेश्चन नंबर 9, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और मतलब ये जो इनइक्वालिटी का इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2. ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. सो माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3. माइनस 5 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x. सो माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2x. अब ये उल्टा कर लो तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, अब इसका देखो तो ये है करीबन ऐसा. सो 2x माइनस x इज लेस देन 2 प्लस 3. सो x इज लेस देन 5, मतलब माइनस 1 से लेके 5 तक, राइट. सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5. अब उसको हम नंबर लाइन में करेंगे. सो ये होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड माइनस 5. मुझे करना है पहले तो माइनस 1 से लेके 5 तक. ठीक है, उसमें माइनस 1 इंक्लूडेड मतलब डार्क सर्कल आएगा और इसमें नहीं इंक्लूडेड मतलब स्मॉल सर्कल आएगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. सो इफ 5x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू
5 plus 3x and is less than or equal to 4x plus 2, then express it as a less than or equal to x less than or equal to b, and find the values of a and find the values of b. मतलब सॉल्यूशन जैसे लाते हैं वैसे लाने का, इस ये पोजीशन पे उसको ला देने का और फिर उसको ए और बी फाइंड कर लेने का. सो 5x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x. सो 5x माइनस 3x, सॉरी 35 कैसे लिख दिया मैंने, 3x इज लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3. So 2x is less than or equal to 8. So x is less than or equal to 4. Next 5 plus 3x is less than or equal to 4x plus 2. So 3x minus 4x is less than or equal to 2 minus 5. So x is less than or equal to minus 3 minus x. ठीक है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ओके, लेकिन मुझे लेस देन में डालना है तो मैं कैसे डालूंगी उसको लेस देन में, 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 4. इसको मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ. ओके, तो ए क्या हो गया मेरा 3 और बी क्या हो गया मेरा 4. So A is 3 and B is 4, my answer. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.